बहन, हमने सुना है डिक्शनरी में रिश्तेदार शब्द बदल के लिख दिया गया है आस्तीन का सांप। इन नागिन जैसे ढसने वाले सिर्फ हमारे ही रिश्तेदार है कि दुनिया भर के रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं? आज हम तुमको बताते हैं कि टॉक्सिक जहरीले रिश्तेदार होते कैसे हैं। ऐसे होते हैं कि जब तुम पतली हो जाती हो तो कहते बड़ी कमजोर लग रही हो, जब मोटी हो जाती तो कहते बहुत ज्यादा मोटी हो गई हो, शादी कौन करेगा तुमसे। कि जब तुम घर बैठ के आराम करती हो तो कहते ये तो कुछ करती ही नहीं है। जब तुम कमाने लग जाओ उनके लौंडों से ज्यादा तब कहते बहुत ज्यादा तेज हो गई है, बहुत छूट मिल गई है इको। और अगर गलती से 10th के एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स कम आ गए और उनको पता चल गया तो इतनी बार तुम्हारे माँ बाप से पूछेंगे कितने मार्क्स आए जरा बताओ तो, जरा बताओ। और हमेशा अपने बच्चों को तुमसे कंपेयर करेंगे, बताएंगे तुम्हारे माता पिता को देखो हमारे बेटे की तो हियाँ इतनी ज्यादा अच्छी नौकरी लगी है। इतना शो ऑफ करते हैं ये रिश्तेदार, इतना शो ऑफ करते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता कि नजरें इनको क्यों नहीं लगती हैं। हम तो जरा सा इतरा के चल रहे तो कमर टेढ़ी हो जाती है। उनके पास करोड़ों होने के बावजूद तुम्हारे बापू जी की जमीन पे उनकी नजरें जरूर गड़ी रहती हैं। और शादियों में तो कमबख्त रिश्तेदार आते ही है सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालने। भाई हमने तो ऊपर वाले से दुआ मांग ली है अगले जन्म में हमको अमेरिका में पैदा करे ताकि इन रिश्तेदारों के झमेलों से हम बच जाएं। अब नीचे कमेंट करके बताओ हम सही बोल रहे हैं कि गलत, और ये वीडियो